दूसरा दिन है, किस चीज का? क्या बात है। तो दूसरा दिन में साल पुराना हो गया कि अभी भी नया है? बोलिए, साल पुराना हो गया कि नया है अभी भी? 2 तारीख को भी नया है, तो कब तक नया रहेगा ये? हैं, ये अनुभूति कल की बोल रही है, कल की अनुभूति बोल रही है। कल बहुत खुश रहे ना, कल बहुत आपने इसको मनाने के लिए प्रयास किया ना, इसलिए अनुभूति बोल रही है। अब तो साल का नया साल तो गया, अब पुराना हो गया। घर में बहू आती है, नई बहू, कितने दिन नई लगती है? कितने दिन नई लगती है, बोलिए, अपनी अपनी सोच लो, कितने दिन महसूस होता है? कुछ दिन होता है, बाकी कुछ दिन के बाद सब पुराना हो जाता है, हो जाता है ना। नया और पुराना पुद्गल में होता है। किस में होता है? पुद्गल में होता है। नया और पुराना पुद्गल में होता है, जीव में नहीं होता है। बहुत से लोग नए नए काम करना चाहते हैं, ऐसा काम करूं कि दुनिया में कभी भी ना हुआ हो, ऐसा विचार करते हैं ना। हाँ बैठो, बिल्कुल नया विचार, नया काम, कुछ भी नया नहीं है। ठंड नहीं होती है क्या? बारिश नहीं होती है क्या? गर्मी नहीं होती है क्या? नहीं होती है। तुम नए हो क्या? नहीं, तुम भी बहुत दिन पुराने हो गए हो। लेकिन नया दिन, जैसे कि आपने जनवरी को नया दिन माना, काल पुराना नहीं है। काल तो जैसा था वैसे ही है। हमने मान लिया कि ये नया वर्ष कल से शुरू हो गया। जहाँ जहाँ पुद्गल है वहाँ वहाँ नया और पुराना है, और जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ ना नया है ना पुराना है। नए विचार आते हैं क्या आपको? कुछ भी 24 घंटे में आपको नए विचार आते हैं क्या? बोलिए, अच्छा ये बताओ, आप विचार किस किस के करते हो? मैं नाम बोलूँगी, आप विचार करना और बताना हाँ या नहीं। मोह के विचार, हाँ, राग के विचार, द्वेष के विचार, क्रोध के विचार, मान के विचार, माया के विचार, लोभ के विचार, हिंसा के विचार, झूठ के विचार, चोरी के विचार, चोरी सूक्ष्म में जाओगे तो दिन भर चोरी करते हैं। यदि सूक्ष्म में चले जाओ, उसने ऐसे कपड़े पहने मैं भी पहनूं, ये भी चोरी है, ये भी चोरी है। और अब्रह्म के विचार, कुशील के विचार, परिग्रह के विचार आते हैं। अच्छा, ये जीवन में एक ही बार आते हैं, ये बार बार आते हैं? बार बार आते हैं। तो आप जितने नाम मैंने बोले हैं, इतने नाम के अंदर ही रहते हो या इससे कभी बाहर भी निकलते हो? आप इन्हीं विचारों के अंदर ही घूमते हो या इससे कभी बाहर भी निकलते हो? प्रभु चरण में पहुंच के बाहर निकलते कि नहीं निकलते, अभी भी सोच लो। खड़े तो भगवान के सामने हैं और दिमाग में कोई और घूम रहा है। प्रभु के सामने जाके भी आप उन विचारों से दूर होते हैं कि नहीं? पूजा करते हुए भी उन विचारों से दूर होते हैं कि नहीं? माला फेरते हुए भी विचार कहीं साथ में घूम तो नहीं रहे? घूम रहे तो इसका मतलब तुम केवल इन्हीं विचारों में हो, इससे अलग विचारों में
नहीं हो। और ये सारे के सारे विचार पाप बंध का कारण है। या तो क्रोध में रहते, क्रोध से निकले तो मान में चले गए, मान से निकले तो मायाचारी में चले गए, माया से निकले तो लोभ में चले गए, लोभ से निकले तो हिंसा में चले गए, हिंसा से निकले तो झूठ में चले गए, चोरी में चले गए, कुशील में चले गए, परिग्रह में चले गए, मोह में चले गए, राग में चले गए। इन विचारों से ही हम भरे हुए हैं और यही विचार पुनः पुनः बार बार हमारे मन में रिपीट होते रहते हैं। हम इनसे दूर एक क्षण को भी नहीं हो पाते। सपने में भी हम इन विचारों से दूर नहीं हो पाते हैं। और ये सारे विचार पुराने हैं, कोई पहली बार नहीं कर रहे। जो त्रयंच हैं वो भी खाने पीने का विचार करते कि नहीं करते, उनको भी गुस्से के विचार आते कि नहीं आते, उनको भी अभिमान होता कि नहीं होता, उनको भी जो ये सारी चीज़ें हैं मनुष्यों को जो हो रही हैं उनको व्यक्त करने का तरीका अच्छा है। इनके पास व्यक्त करने के भाव और उसको शब्द देने की जो वर्गणाएँ हैं वो अच्छी तरह से हैं। पशुओं के पास में उतनी नहीं है जितनी मनुष्यों के पास में है, लेकिन भाव वही है, विचार वही है। तुम एक व्यक्ति को डंडा लेके मार सकते हो, एक कुत्ता डंडा लेके नहीं मार सकता, लेकिन मुंह से काट के मार सकता है। एक कुत्ता बिल्ली को मुंह से पकड़ के मार सकता है। तुम बिल्ली भाग रही है, कोई गोली चलाएगी तो मर जाएगी, वैसे तुम नहीं पकड़ सकते, लेकिन एक कुत्ता पकड़ के उसे, हिंसा के विचार हुए ना, छुप के बैठता है। कबूतर जब बिल्ली को पकड़ना होता है तो बिल्ली बड़ी छुप के बैठती है और कबूतर सीधा साधा, उसे पता नहीं, और जैसे ही कबूतर आता है बिल्ली उस पर झपट्टा मार देती है। अब ये छिप के बैठना, बिल्ली का छिपकर बैठना मायाचारी है कि नहीं है? मायाचारी है। और उस कबूतर की हत्या करना हिंसा है कि नहीं है? तो जो काम पशु कर रहे हैं वही काम मनुष्य कर रहे हैं, यही मारने का, पीटने का, गुस्सा करने का, लड़ने का, भिड़ने का, परिग्रह का, ये सारा काम पशु भी कर रहे हैं और मनुष्य भी कर रहे हैं और देवता भी कर रहे हैं और नारकी भी कर रहे हैं, है ना? सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कोई एक भी विचार इसमें नया नहीं है। आप ये देखो कि साधु बनने के बाद भी सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, अभी भी कहा, अभी विचार नए नहीं है। जब एक मुनि ऊपर चढ़ के आठवें गुण स्थान में पहुंचता है, कौन से गुण स्थान में? आठवें में, जो वर्तमान में अभी नहीं है। वर्तमान में छठवां गुण स्थान है और कुछ क्षण के लिए, कुछ बिल्कुल एक पलक झपकने के बराबर के लिए सातवें गुण स्थान में जा सकते हैं और वापस आ जाएंगे। तो अभी आठवां गुण स्थान है नहीं है। आठवें गुण स्थान में अपूर्व करण होता है, नए नए विचार आते हैं, नए नए विचार आते हैं, अपूर्व अपूर्व विचार, ऐसे विचार जो पूर्व में कभी नहीं आए थे। कैसे विचार? जो पूर्व में कभी नहीं आए थे। नाम क्या है गुणस्थान का? अपूर्व करण गुणस्थान। पूर्व में ऐसे विचार कभी भी नहीं आए, वो आठवें गुणस्थान में होता है, जो अभी पंचम काल में नहीं है। हम नए की कितनी खुशियां मनाते हैं, मनाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मनाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पुराने को भी पहचान के रखो कि हम नया कर रहे कि नहीं कर रहे कुछ। साल नया आया, खुशियां हमने मनाई, अरे ये खुशी तो समय को मनानी चाहिए, ये खुशी तो काल को मनानी चाहिए कि मेरा साल बदल गया, मैं नया हो गया, अब मेरा नाम 19 हो गया, ऐसा तो उसको खुशी होनी चाहिए, उसको तो कुछ हो नहीं रहा है, सारी दुनिया पटाखे फोड़ रही है। तुम इतना कितना ज्वाइंट हो उस काल से, उस समय से तुम कितना अटैच हो कि जिसके कारण तुमने फटाके फोड़े, जिसके कारण तुमने तीर्थ यात्रा करी, जिसके कारण तुमने भगवान के दर्शन किए, तुम्हारा कहीं ना कहीं उसके साथ संबंध तो है। यदि संबंध नहीं होता तो वो तुम खुशी मनाने वाले नहीं थे। तो तुम्हारा संबंध है, किससे है?
काल से है। हम इतने साल के हो गए, हम इसमें भी खुशी मनाते हैं। साल बदल गया, हम इसमें भी खुशी मनाते हैं। साल गिरा, क्या बोलते हैं, साल गिरा आती ना, शादी की साल गिरा आती ना। अच्छा, साल गिरा है में से हा हटा दो तो क्या बचा, साल गिरा में से हा हटा दो तो क्या बचा, साल गिर गई, एक साल गिर गई, वो तो गिर गई और तुम खुशी मना रहे। अच्छा बताओ, किसी के गिरने पे कोई खुशी मनाता है क्या? नहीं मनाता ना। अब साल तो गिर गया, उसकी खुशी मना रहे या आने वाले साल की खुशी मना रहे? आप तो साल गिरह की मनाते हो, आने वाले की नहीं मनाते हो। यही कहते हो मेरी शादी की साल गिरह है, यही कहते हो ना। जो साल गिर गई, चलो इतने साल जीवन के निकल गए, और 25वीं साल मनाना तो बहुत बड़ी बात होती है ना। पता है 25वीं क्यों मनाई जाती है? पहले हमारे यहाँ भारत में नहीं मनाई जाती थी, अभी अभी विदेशों से इंपोर्ट किए हमने, विदेशों से इंपोर्ट किए 25वीं का। और उसका कारण क्या है कि विदेशों में एक जोड़ा यदि 25 साल तक साथ रह ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि वहाँ वो साल भर नहीं टिकते हैं, क्योंकि वहाँ वो साल भर नहीं टिकते हैं और 25 साल टिक गए तो बहुत बड़ी बात होती है वहाँ पर। और हमारे यहाँ तो 7 जन्म के साथ फेरे लिए जाते हैं, 25 साल कौन सी बड़ी बात है। ये 25वीं वैसे ही मनाने का रिवाज चल गया, पैसा है खर्च करो कहीं तो करो। अब घर में किसी का मन नहीं होगा, ये जिसकी है उसका मन नहीं होगा तो आसपास वाले उसको खा जाएंगे, पार्टी कब दे रहे हो, कौन से होटल में दे रहे हो, अच्छी पार्टी लेंगे तुमसे, हाँ कंजूसी मत दिखाना, अच्छे से करना। अरे ये कहना चाहिए तुम्हारे 25वीं सालगिरह किसी तीर्थ यात्रा पर ले चलो, वहां जाके विधान करवाओ तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी आएगी तो हम भी करवाएंगे, तुम्हारी आई तो तुम भी करवाओ, इतना कहो तो फिर भी चलता है। कौन से होटल में पार्टी दे रहे हो, सस्ती वाली में मत देना, हाँ बढ़िया दूर लेके चलना। ऐसे करते हो नहीं करते हो, मतलब तुम्हारा जीवन केवल खाने पीने तक सीमित है, या तो घर में बैठ के खा लो या होटल में बैठ के खा लो। होटल में खा रहे तो अच्छा लग रहा है, अब घर में तो रोज ही खाते हैं, ऐसा करो रोज लो होटल में खाया करो तो घर में एक दिन खाओगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति बाहर का सफर करते हैं, जिन्हें बाहर बार बार काम से जाना पड़ता है, उनसे पूछो कि होटल में खाने में कितनी परेशानी होती है, होटल में खाने में कितना पेट खराब होता है, सेहत कितनी खराब होती है। वो चाहते हैं हमें घर का मिले, वो जो घर में बैठ रहा है, मतलब कोई अपनी जगह संतुष्ट नहीं है। होटल वाला होटल में संतुष्ट नहीं है, घर वाला घर में संतुष्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, घर घर होता है और होटल होटल होती है। होटल शब्द क्या कह रहा है, होटल, होश हो तो टल जा, तेरे खाने का स्थान ये नहीं है। यहाँ ना साफ सफाई से बनाया जाता है, ना शुद्धि से बनाया जाता है। घर में जो बनाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए बनाया जाता है, और होटल में जो बनाया जाता है वो स्वाद के लिए बनाया जाता है। होटल में जो बनाया जाता है वो स्वाद के लिए बनाया जाता है। तो स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है या स्वाद ज्यादा जरूरी है? स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी नहीं, नहीं कोई बात नहीं। आजकल के बच्चे तो स्वाद में जी रहे हैं, हाँ आजकल के बच्चों को बड़ी चट लग गई है, पिज्जा बर्गर अभी। अच्छा ये बताओ, मांसाहारी जैनी तो नहीं होते ना? अरे बोलो ना, नहीं होते पक्का? लेकिन जो पिज्जा खाता है, जो अंडे वाला केक खाता है, क्या वो शाकाहारी की गिनती में आएगा? क्या वो भगवान महावीर को मान रहा है, उनकी बात को मान रहा है? बच्चों को पिज्जा बर्गर और क्या क्या होता है, वो गाय के बछड़े के मांस वाली चॉकलेट आती है, डेरी मिल्क,
अच्छा देखो मुझे तो याद नहीं था, आप ही बताओगे क्योंकि आप ही खाते हो। इनसे नाम सुन लेती हूँ तो बता देती हूँ थोड़े बहुत, नहीं तो मेरा क्या वास्ता इनसे, है ना। उनकी मम्मी आके शिकायत करती, माताजी मना करो बहुत नुकसान करता है ये पिज्जा बर्गर, और ये मानती नहीं है। अब जीभ में ऐसी चट लग गई है कि बस खा लो, किसी तरह से मिल जाए खाने के लिए। और बच्चे होते अज्ञानी, बड़े तो समझदार होते, उन्हें पता होता है कि भाई ये चीज़ नुकसान करती तो हमें नहीं खानी, चाहे अच्छी लगे फिर भी नहीं खानी है। अब बच्चे तो छोटे होते अज्ञानी होते हैं, उन्हें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। यदि मम्मी ने कहा है पिज्जा बर्गर नहीं खाना है तो नहीं खाना है। बोलो बच्चों, मम्मी की बात मानोगे? हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ। हाँ, ये बड़े बच्चे, बड़े बच्चे मानते मम्मी की बात, नहीं मानते? हाथ उठाकर बताओ। अच्छा, पूरी बात मानते हो तो ऊंचा हाथ उठाना, और थोड़ी बात मानते हो तो थोड़ा सा नीचा कर लेना। अच्छा, सबके ही नीचे हैं। अच्छा, ऐसा करो, अब मम्मी की पापा की बात मानेंगे, पूरा हाथ उठाओ। अब चलो, अब उठा दो हाथ। अच्छे बच्चे हो तो उठा देना, और अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे ना हो तो मत उठाना। ये लड़की नीचे, मेरी बात नहीं सुन रही बेटे, कहाँ खो गई, कहीं और दिमाग चला गया क्या? उठाइए उठाइए हाथ, बहुत अच्छे बच्चे आए, बहुत बढ़िया। एक बार बच्चों के लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छे बच्चे आए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे दुश्मन हैं कि तुम्हारे मित्र हैं? बोलो ना, मित्र हैं। वाह, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है कि बुरा सोचती है? अच्छा सोचती है। तो तुम्हारी मम्मी अच्छी है कि खराब है? अच्छी है। तो अच्छी मम्मी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए ना, बोलो जोर से, माननी चाहिए। नहीं मानोगे तो कष्ट किसको होगा? आपको होगा ना। तो ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अच्छे बच्चों को, जितने बच्चे अच्छे हैं उन्हें पिज़्ज़ा बर्गर और वो बछड़े वाली मांस वाली चॉकलेट और ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपकी मम्मी जो घर में बनाती है आपको वो ही खाना चाहिए। वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपकी मम्मी कहती है पिज़्ज़ा नहीं खाओ दूध पियो, तो पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। कितने बच्चे हैं जो दूध पीते हैं? दूध पी के उल्टी तो नहीं करते? नहीं करते ना। कितनी गिलास पीते हैं? नहीं, बच्चों को तो दो गिलास पीना चाहिए। आप अपनी बुद्धि तेज करना चाहते हो? कितने बच्चे अपनी बुद्धि तेज करना चाहते हैं और स्कूल में फर्स्ट आना चाहते हैं? तो वो दो गिलास दूध पिया करेंगे और पिज्जा बर्गर नहीं खाया करेंगे। तो उनका दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर वो पढ़ने में बहुत आगे होंगे, उनका धर्म में भी मन लगेगा। और जो बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं उनका धर्म करने में भी मन नहीं लगता है। उनकी मम्मी कहेंगी बच्चे मंदिर जाओ, हमें नहीं जाना मम्मी। जो बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं ना उनका मन मंदिर जाने का भी नहीं करता है, क्योंकि उस चीज़ में, पिज्जा बर्गर में ऐसी चीज़ पड़ी होती है कि तुम्हें धर्म से दूर कर देती है, है ना? तीन उठे, तीन आगे आए, तीन पीछे गए, आकुलता। तो मैंने क्या बताया कि जो पिज्जा बर्गर है उसमें ऐसी चीज पड़ी होती है कि तुम्हारे दिमाग पर ऐसा असर पड़ता है कि जिसके कारण से तुम्हारा माला फेरने में मन नहीं लगता है, दिमाग घूम जाता है। और दूध में ऐसी चीज होती है कि धर्म करने में मन लगता है, अच्छे अच्छे काम में मन लगता है। इसलिए बच्चों को दूध ज़्यादा पीना चाहिए और पिज्जा बर्गर नहीं खाना चाहिए। तो बंधुओं, बात चल रही थी कि नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी, नया विचार तब मिलेगा जब तुम अपूर्व करण गुण स्थान में जाओगे, और वो भी पुरुषों को होता है, और वो भी जब बिल्कुल ध्यान में लीन होते हैं। पूरी जिंदगी भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आठवां गुण स्थान पूरी जिंदगी बना रहे। जब हजारों बार ध्यान करते हैं पूरे जीवन में केवल दो बार हो सकता है, और कितने समय के लिए? मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए। अपूर्व करण, उसमें अपूर्व अपूर्व विचार आते हैं, अपूर्व अपूर्व विचार आते हैं, जो विचार जीवन में पहले कभी भी
नहीं आए हैं, और वो भी उसमें ये नहीं होती जो क्रोध मान मालवे तो सब नमो से धाड़ा मो जाती, वहाँ तो मोह राग द्वेष ये सब चीजें वहाँ नमो से धाड़ा मो जाती। केवल एक अपूर्व अपूर्व विचार सिद्धांत जो है द्वादशांग ग्यारह अंग चौदह पूर्व इनसे संबंधित अपूर्व अपूर्व विचार आते हैं। तो जब तक हम अभी से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम आगे अपूर्व विचार को प्राप्त करने वाले नहीं हैं, और उसके लिए तो कितने जन्म लग जाएंगे। अभी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, अभी तो शुरुआत भी नहीं करी है, अभी तो मंगलाचरण भी नहीं किया है कि अपूर्व विचारों को प्राप्त कर सकें। अभी तो केवल संसार के चक्र में घूम रहे हैं, है ना। आप आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, समय तो आगे बढ़ रहा है, आप आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, बोलो ना। कितना आगे बढ़े आप लोग? बहुत आगे बढ़ गए। मोबाइल आ गया, टीवी आ गई, दुनिया भर की मशीनें आ गई, कितने आगे बढ़ गए। तो मशीन आगे बढ़ी, तुम थोड़ी बढ़े। तुम बढ़ोगे जब भी विचारों से बढ़ोगे, अपने भावों से बढ़ोगे। अब बढ़ना कहाँ है, कौन सी तरफ बढ़ना है, कौन सी दिशा में, संसार की दिशा में या धर्म की दिशा में, हमें कौन सी दिशा में बढ़ना है। दो रास्ते हैं, अब दो रास्ते में से संसार के रास्ते पर जाना है या मोक्ष के रास्ते पर जाना है। आप कहोगे माता जी हमारा तो संसार ही ठीक है, हम तो यही ठीक है। तो यही ठीक हो तो यहाँ कितने दिन रहोगे, मनुष्य पर्याय में कितने दिन रहोगे, कितने दिन हाथ पैर चलेंगे, उसके बाद कहीं तो जाना पड़ेगा। कोई तो स्थान होगा जो इस शरीर को छोड़ करके हमें अगले शरीर में जाना पड़ेगा, तो अगले शरीर की तैयारी भी तो अभी से करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं। तो अच्छे शरीर कब मिलते हैं, जब जीवन में अच्छा काम करते हैं, धर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, तो और अच्छा शरीर मिलेगा। फिर उससे और अच्छा किया तो और अच्छा मिला, फिर इतना अच्छा मिला कि दीक्षा लेने लायक शरीर मिल गया। अभी तो आप कहते क्या करें, हमसे उपवास नहीं होता है, हमसे दीक्षा नहीं ली जाती, एक टाइम नहीं खाया जाता। अभी नहीं करोगे तो अगले और शरीर कमजोर मिलेगा, तो और नहीं कर पाओगे। तो जितनी शक्ति है उतना करो। नया साल है ना, नए साल में यही भाव बनाओ कि भगवान इस वर्ष में हमारे जीवन में अच्छे अच्छे भाव हों और अच्छे अच्छे विचार आए, और हम नियम त्याग व्रत में आगे बढ़ें ताकि आने वाला समय और अच्छा शरीर मिले। भगवान महावीर को एक दिन में थोड़ी वज्रसम नारा संघनन मिल गया था कि भगवान महावीर वो एक बार में एक जन्म में ही बन गए। 10 भाव उन्होंने तपस्या करी थी तब कहीं जाकर उन्हें वज्र वृषभ नारा संघनन मिला, यानी वज्र की हड्डियों का शरीर मिला। और उन हड्डियों से कितनी तपस्या कर लो शरीर कभी कमजोर नहीं होता है। और अभी हमारे पास कौन सी हड्डियां हैं, असंप्राप्ता श्रीपाटिका संघनन की, यानी वज्र सम नारा संघनन वाला ऊपर से गिरे पत्थर पे तो क्या टूटेगा, पत्थर टूटेगा, हड्डी नहीं टूटेगी। और अभी वह शरीर वाले यदि पत्थर पे गिरे तो क्या टूटेगा, बोलिए ना, शरीर टूटेंगे, अच्छा हड्डियां टूटेंगी। अच्छा तो आपके घर में पत्थर तो नहीं है, अपनी हड्डियां तोड़ने का आपने अपने आप वो तो नहीं कर लिया है घर में व्यवस्था। तो उतना अच्छा शरीर चाहिए तो अभी से थोड़ी थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तब कहीं उन्हें 10 भाव में मिला था, तो हमें कौन से भाव में मिलेगा, उसकी अभी से तो तैयारी करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हम इतनी तपस्या कर सकते हैं। भगवान आदिनाथ एक वर्ष तक उन्होंने आहार नहीं लिया, लेकिन उनका शरीर ना तो मुरझाया, ना कमजोर हुआ, ना कोई दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि उनका शरीर कौन सा था, वज्र वृषभ नारा संघनन, यानी इनकी हड्डियां भी वज्र की थी, नशें भी वज्र की थी, उसमें सब चीज वज्र की होती है। जो हमारे स्ट्रक्चर बोलते ना कि जब भी मकान बनता तो पहले स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो स्ट्रक्चर पूरा उनका वज्र का था। कुछ भी हो जाए ऐसा जीव, इनको जहर भी पिला दो तो कुछ नहीं होता है, पहाड़ से गिर जाए तो कुछ नहीं होता है, पानी में गिरा दो यानी इनकी इनकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है। ऐसी शक्ति आपको चाहिए कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से तपस्या करनी पड़ेगी। तो इस नए वर्ष पर आप अपना एक लक्ष्य बनाएं कि भगवान
एक साल में कोई भी हम एक व्रत करेंगे, या भक्तांबर के, या नमोकार मंत्र के, या कर्म दहन के कोई भी एक व्रत करेंगे और कुछ ना हो तो अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन करेंगे एक साल तक का। ऐसा विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो ना, कर सकते हो? कौन कौन कर सकता है? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूँ पहले। थोड़ी बहुत छूट भी दे दूंगी मैं, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत सारी छूट देती। वहाँ से इशारा नीचे हाथ करने का हो रहा। अच्छा, तो आप जो हैं एक टाइम खा लिया, अब चाय वाले हैं, दिक्कत तो होती है ना, चाय नहीं छूट पाती। तो मेरी तरफ से प्रेरणा है कि जिन जिन को व्रत उपवास करना है तो 8 दिन के लिए चाय छोड़ दें, 8 दिन के बाद पीना मत, छोड़ें 8 दिन के लिए, लेकिन 8 दिन के बाद पीना मत, तो उनके व्रत उपवास अच्छे से हो जाएंगे। जिनका मन करता कि नहीं छोड़ना तो नहीं, मगर व्रत भी करने हैं, तो वो अपने लिक्विड की छूट रख लें, सुबह लिक्विड की छूट रख लें, एक टाइम भोजन कर लें और शाम को दूध वगैरह ले लें, इतना हो सकता है? इतने में कर सकते हो? अरे बोलो ना, इतना जरूरी जरूरी तो मैंने दवाई की भी छूट है, अब और क्या चाहिए? इतने पे भी ना कर पाओ तो फिर तो समझ लो हम जीने के लिए नहीं खा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात मैंने नहीं कही, दूसरी तो आपने कही है, क्योंकि मैं तो एक ही टाइम खाती हूँ, इसलिए मैं क्यों कहूँ, है ना? तो आप लोग भी एक टाइम इस वर्ष का एक एम बनाएं, एक लक्ष्य बनाएं। ये जो चतुर्दशी आ रही है 2 दिन बाद, आज 12 है, कल 11 थी, आज 12 है, 13 परसों ही है चतुर्दशी, परसों ही है क्या, परसों होगी, तो परसों चतुर्दशी है और उसके दूसरे दिन शनि अमावस है। शनि अमावस है कि नहीं? क्या होता है शनि अमावस में? भगवान का महामस्तकाभिषेक होता है। बहुत लोग आते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए और उस दिन भगवान का अभिषेक करके बहुत प्रसन्न होते हैं। अब शनि अमावस को क्यों किया जाता है उसके लिए भी लॉजिक है। ज्योतिष के हिसाब से शनि का रंग काला है। कैसा है? काला है। अमावस्या का रंग काला है और हमारे भगवान जी का रंग काला है, है ना? तो माइनस माइनस गणित में है ना, सूत्र सूत्र है ना, यदि माइनस माइनस इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। बस यही कारण है कि भगवान का उस दिन अभिषेक करना विशेष शुभ होता है और विशेष लाभ को देने वाला होता है। इसीलिए यदि उस दिन कोशिश हो तो आप लोग अभिषेक के लिए जरूर यहाँ पर आएं और भगवान का अभिषेक करें। और जो देख सकता है वो देखें। भैया तू लाइट क्यों मार रहा है घड़ी से अपने? वो एंगल बना रहा है मेरी आँख पे। बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो शनि अमावस के दिन आप लोग यहाँ आएं और भगवान का अभिषेक करें और देखें। और यदि बाई चांस नहीं आ पा रहे हैं, है ना, तो सुबह 10 बजे से 9:30-9:30 के बीच में लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और महावीरा चैनल और पारस चैनल पर लाइव प्रोग्राम चलेगा। तो आप अपने घर में बैठकर देख लें। और दोपहर में यहाँ पर विधान होगा और विधान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का होगा। बहुत से लोग शनि की बाधा को दूर करने के लिए दुनिया भर में भागते रहते हैं, कहीं शनि देव को तेल चढ़ाने जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, मिथ्यात्व करते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम अपने भगवान वीतरागी देव की आराधना करें तो हमें किसी रागी द्वेषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं आकर उससे शांति धारा करें या करवाएं अथवा वो विधान में बैठें। विधान में बैठेंगे तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा और उससे कहीं ना कहीं हमारे पाप का क्षय होगा और पुण्य का उदय होगा। तो इसलिए शनि अमावस पर भी आप लोग यहाँ आकर भगवान की शांति धारा अभिषेक आदि में हिस्सा लें। विधान जो है दोपहर को 12:30-12:30 बजे के बीच में शुरू होगा।
और अभिषेक 9:30 या 10 के बीच में शुरू हो जाएगा, तो अपने अपने समय से पहुँचें ताकि भगवान का अभिषेक भी देखें और विधान में बैठने का भी मौका मिल जाए, है ना। घूमने के लिए बस का, गर्मी में रस का, और आने वाली शनि अमावस का आपको क्या बोलना है, टीवी में सुनते थे ना, पानी में खोलने का, बनिया में तौलने का, आपके जोर से बोलने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और शनि अमावस पर भगवान का अभिषेक करने का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और शनि अमावस की शांति धारा का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। और आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, ग्वालियर, अच्छा, सुनने में ईयर का, प्रभु के नियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, उदयपुर, पूर्व वाले कितने हैं, जबलपुर, उदयपुर, नागपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर, जबलपुर और नागपुर का। और कहाँ से आए, बम्बई वाले, जयपुर, आप तो बम्बई से आए हैं, अच्छा, तो फिर वो, हाँ ठीक बात है, जो मुख्य स्थान है वो वही है, है ना। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का, अलीगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में अलीगढ़ और डिब्रूगढ़ का, है देवास, बहुओं में सास का, करने में आश का, और आने वालों में देवास का, गंधवानी, मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में वाणी का, और आने वालों में गंधवानी का, गैरतगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में गैरतगंज का, हो गए सारे, कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का, हो गए सारे, नारायणगढ़, अच्छा, कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, नारायणगढ़ का बोलूं, अच्छा, वृक्ष की जड़ का, और वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में नारायणगढ़ का,